जिस तरह से समय मौजूद हम वागले पुलिस स्टेशन के सामने ही देखेंगे। आप यहाँ पर जो है रामगिरी महाराज पर FIR दर्ज कराने के लिए तमाम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल भी यहाँ पर इसी तरह से लोग बैठे थे और जो है उस समय कुछ निवेदन वगैरह दिया गया था, लेकिन आज फिर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जो आज लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर NCP शरद चंद्र पार्टी की तरफ से एक मैसेज चलाया गया, नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, एक मैसेज चलाया गया था और कि यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हों। विधायक जितेंद्र आभाट जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी वजह से जो है यहाँ पर लोग एक बार फिर आज इकट्ठा हुए हैं। लाइव नहीं चल रहा भाई, आवाज चावल दे चल लाइव नहीं चल रहा था। यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हैं जो है रामगिरी महाराज पर FIR दर्ज कराने के लिए। कल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग थे और आज भी देखें लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। दोपहर 12 बजे का शायद समय था यहाँ पर विधायक जितेंद्र आभाट पहुँचते, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और शायद इसी वजह से अभी वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, ऐसे यहाँ के लोग बता रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर। कैसे तुम लोग दूर दूर भाग रहे हैं? हम लोग तो बुढ़ा गए ना, हम लोग बुढ़ा हो गए, अभी क्या हम लोग का शाहरुख भाई, कल भी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, शायद FIR दर्ज कराने की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन अभी तक मिला है? ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर पुलिस कंप्लेंट करने को आ रहा है तो उसकी कंप्लेंट लिया जाए। तो आज भी हम लोग उसी मकसद से यहाँ पे आए और अभी सुनने में ऐसा है कि मुमरा के MLA जितेंद्र जी अवार्ड साहब यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमारी मांग यही रहेगी कि हमारा FIR लिया जाए। आज ऐसा हुआ, आप देख सकते हैं आज मुसलमान चारा बन चुका है, कभी हिजाब पे, कभी नकाब पे, कभी टोपी पे, कभी दाढ़ी पे, तो हर टाइम पे सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, जहाँ हक की बात करना वहाँ कोई कर रहा नहीं है। आज हमारा आने का मकसद यही है और आज बिना FIR के हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है और हम लोग यहाँ पे, और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार देवेंद्र फडणवीस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कठोर कार्रवाई ऐसे सो कॉल्ड ग्रुपों पर होना चाहिए।
कल आप लोग यहाँ पे आए थे, आपको क्या आश्वासन मिला है? नजीब मुल्ला भी यहाँ पर आए थे ना आपके साथ में, तो उन्होंने क्या बातचीत की थी, क्या कहा? नजीब साहब ने बात किए थे, नजीब साहब ने बोले कि मैं वहाँ की एफ आई आर को हटा करके, राबोड़ी की एफ आई आर को कैंसिल करके मैं यहाँ करवा देता हूँ। लेकिन क्या है, अभी जैसा कि ऊपर से जो ऑर्डर आया था कि हम लोग एक ही एफ आई आर ले सकते हैं, लेकिन कैसा है कि हम लोग को बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ रहता तो ऑन पेपर हम लोग को दिखाते थे, हम लोग चले जाते थे। अभी आवाज साहब भी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह जरूर एफ आई आर हो जाएगी। हजरत क्या नाम है आपका? हजरत, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई है और काफ़ी इस पर हंगामा मचा हुआ है, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर एफआईआर की मांग हो रही है, कहीं कहीं एफआईआर भी हो गया है, आप लोग कल से यहां पर डटे हुए हैं एफआईआर की मांग को लेकर? हम कल से नहीं बल्कि 4 दिन से यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। हमारा ये आना 3री मरतबा है और कल हमें आश्वासन दिया गया था, हमारे से लेटर भी लिया गया था, मगर मैं वो कहना चाह रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए हैं एफआईआर की मांग के लिए। हमें ये कहा गया कि जोन वन जैसे जोन होता है, ये जोन है और ये भी थाना जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एक एफआईआर होगा। हमने मांग की एफआईआर की, हमें 2 दिन का टाइम दिया गया था, उसके बाद हम कल आए, कल हमें समझाया गया कि ऑलरेडी मुमरा के अंदर या राबोड़ी के अंदर एफआईआर हो चुकी है। फिर हमने ये बात कही और कल रात में हमने देखा कि भिवंडी भी थाने के अंदर आता है और वहाँ पर भी एक और तीसरी एफआईआर होती है, मगर बावजूद इसके कि हर जगह थाने के अंदर एफआईआर हो रही है, मगर क्या वजह है कि वागले के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ा हमारा मांग, हमारा मुद्दा और जमा होने की वजह यही है कि मुमरा में जब एफआईआर हो सकती है, जब राबोड़ी के अंदर एफआईआर हो सकती है, जब भिवंडी के अंदर एफआईआर हो सकती है, तो हमारे वागले पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? और ये मसला जो है ये व्यक्तिगत रूप में किसी एक का नहीं है, मसला किसी एक का नहीं, किसी के घर वाले का नहीं, मसला है तो ये कौम का मसला है, ये हमारे प्रॉफिट का मसला है और मुसलमान कब भी इस पे खामोश नहीं बैठ सकता और ये हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है, ये मेरा कहना है। यहाँ पर विधायक जितेंद्र भाट का रात से ही मैसेज चल रहा है कि दोपहर 12 बजे वो यहाँ वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में पहुँचेंगे, अभी 2 से 2:30 बज रहे हैं, तो आप लोगों की उनसे बातचीत वगैरह हुई कि लेट क्यों हो रहा है, क्या आ रहे हैं वो, क्या रक्षाबंधन का त्यौहार भी है आज? जैसे कि रक्षाबंधन है, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, बस और सब आ ही गए हैं, अभी खबर ये मिली है कि बैठे रहो, सब बैठे हैं। बस कहने का मकसद और मतलब ये है कि अवार्ड साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि एफआईआर होगी और होगी, और बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी ये जीआर है, कोर्ट का जीआर है, तो इस पे काम होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। हम यहाँ पे इसी मांग से आए हैं, लोग आए हैं, क्यों आए हैं? ये प्रॉफिट के लिए आए हैं, अपने नबी के लिए आए हैं, और हमसे हमारी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जिससे मोहब्बत कर सके। नामुत रिसालत मुसलमानों के लिए एक बहुत हसास मसला है, मुसलमान उसके लिए मर भी सकता है, मार भी सकता है, याद रखिएगा। और इसी की भावना के साथ आज ये मामला तय किए जा रहे हैं और मुसलमानों के ये एहसास के साथ खेला जा रहा है। जब देखो कोई बंदा उठता है, चाहे वो निपुर शर्मा हो, चाहे वो नरसिंहानंद हो, चाहे ये पंडित जी हो, जब भी कोई उठता है और मुसलमानों के नबी के खिलाफ ये बात करता है, हम प्रशासन से और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री CM एकनाथ शिंदे से आग्रह करते हैं कि वो जो विक्टिम है, वो जो पंडित है जिसने ये बात कही है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तमाम मुसलमान समाज के लोगों का ये मांग है और वो जो लोग नेता बनते फिरते हैं मुसलमानों के नाम से, उनको भी कहना चाहता हूँ, कहाँ गया तुम्हारा संसद, कहाँ गया तुम्हारा जो है कुर्सी, कहाँ चले गई तुम कुर्सी के लिए रसूलुल्लाह की ज़ात से आगे चले गए? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे सियासत खेली जा रही है मुसलमानों के साथ। मैं कहना चाहता हूँ क्या मुसलमान इतना गुर चुका है क्या, जब वो एक FIR कराने पुलिस स्टेशन के पास आए उसकी FIR दर्ज नहीं होती है? अब कोई ये मामला कोई दूसरा करे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किया, उनका मामला आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मामला किया, उन पे 7 जगह FIR हो रही है एक जगह बोलने पर, हमारे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है दोरा मेवा? मैं ये कहने का मकसद है, मैं प्रशासन से और उनको जहाँ जहाँ FIR हो रहा है वहाँ वहाँ लेकर भी जाए, लेकर जा रहे हैं, 7 महीना हो गया है। मैंने कल कैबिन में बात हुई, मैंने खुद कहा क्या सर एक शेर के ऊपर FIR हो सकती है क्या, ये कोई बात है? और उसमें एक जगह नहीं 7 जगह, और ये भी बात हुई है ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है, अंदर सर ने ये बात कही है ये गलत हुआ। 7 महीने तक उनको घुमाया जा रहा है,
तो ये कह रहा हूँ जब ये मुस्लिम करता है तो उस पर इतनी बड़ी कानून, इतना सारा कानून का पर्चा खोल दिया जाता है, मगर जब आप कोई नॉन मुस्लिम करें, मुसलमानों के खिलाफ बोले, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यही हमारी मांग है। क्या कहेंगे आप? बैठे रहे, बोले बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और जो रामगिरी महाराज है जिन्होंने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है उसकी सज़ा उनको मिलना चाहिए। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में जो FIR के लिए 2 बार 3 बार हम लोग आए हैं, FIR उनके ऊपर होना चाहिए। और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जैसा कहा है कि हम महाराज के बाल को धक्का नहीं लगने देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ एक समाज के साथ हो, एक महाराज के साथ हो? आप राज्य के मुखिया हो, आप मुख्यमंत्री हो, आपको ये सब बात नहीं कहनी चाहिए थी। और हम तो भाई उनके सामने हम लोग तो चलने वाले नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ समाज की बात आएगी, जहाँ लोगों की बात आएगी, तो अभी ये जो मोर्चा जो आया है इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इसमें हिंदू लोग भी आए हैं, हिंदू हैं इसमें, ये सब जो है हमारे समाज के साथ में, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजाम शेख, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ अब जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। ओ समीर बैठो बैठो। किसी पार्टी का नारा बारा नहीं मारने का, किसी कोई भी पार्टी का नारा ना लगाए। नारा लगेगा भी तो रसूलुल्लाह का लगेगा, क्योंकि विधायक जितेंद्र भाट ने ही कल कहा था, 12 बजे का टाइम दिया था और रक्षाबंधन का त्यौहार था, लोग यहाँ पर 12 बजे से ही इकट्ठा हुए और त्यौहार की वजह से आने में उन्हें देरी हुई। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन पर, वागली स्टेट पुलिस स्टेशन पर विधायक जितेंद्र भाट, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। FIR दर्ज करने की जो है मांग यहां पर हो रही है रामगिरी महाराज के खिलाफ। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं तो मैं 1 मिनट भी नहीं आऊंगा। शांत रहो, अपना काम अपन करवा लेंगे। आप लोग थोड़ा, कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई अंदर नहीं आएगा। भाई है ना निजाम भाई, चलो चलो जैसा कि आपने देखा कि विधायक जितेंद्र भाट भी यहाँ पहुँच गए हैं और पुलिस से जो है उनकी बातचीत जो है जारी है, और FIR दर्ज को लेकर विधायक जितेंद्र भाट का कहना है कि अपना काम जो है वो करा के लेंगे, यानी कि FIR जो है वो दर्ज करवाएंगे। लोग यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये वागली स्टेट पुलिस स्टेशन है। आगे भी क्या अपडेट रह गया, यहाँ पर FIR दर्ज होती है, क्या होता है वो हम आपको बताएंगे।